बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राजा स्टूडियोज तो एक बार फिर खबर अब्बास राजा तो सानी खिदमत में हाजिर हाँ। नाज़रीन, बहुत सारे लोग ईमेल करने, इन्हें ईमेल ने जवाब सारे ने देने, कदे कदे जवाब भी देने, लेकिन साड़ी कोशिश होनी कि कोई एक अच्छी ईमेल पिक की जाए और उसकी ऑन एयर जरूर दसा जाए कि जेडे लोग साढ़े नाल रबते चोने। मोमिन साहब ने, वारस साहब ने खान आटोस लंडन तो इन असं की ईमेल की थी कुछ दड़े पहले, तो प्रोड्यूसर फारूक साहब एडिसन के दा उन्होंने आखने मुताबिक उन्होंने रिक्वेस्ट ये की थी कि किसी सियासी शख्सियत की अपने प्रोग्राम ना हिस्सा बनाओ। जाहिर है डायरेक्टली असं सियासतदान की तरह आनी सकने, असं सियासतदान की शक्ल जी की डमी शख्सियत आने उसने इंटरव्यू असं करने हैं, उ दसने असने फनकार जितने भी, क्योंकि प्रोग्राम का ना ही फनकार है, असने जो पैनलिस्ट फनकार हैं वह भी फनकार होने के नाल जो दूसरे आर्टिस्ट होने उन्होंने भी असं फनकार बनाई कर डमी आखी सकने उसकी, उन्होंने असं अपने सेटअप बनाने। तो अज असने पैनल एक नवी शख्सियत आए ने, बहुत अच्छे सादा रूह इंसान, लेकिन कमाल ने कॉमेडियन ने मुनव्वर ज़रीफ तो मी इंस्पायर लगने, क्यों उन्होंने कुछ झलक जरूर नज़र रखनी, ऐसी एक्टिंग करनी कि बंदा कितनी भी सख्त घबराहट ना शिकार होवे, कितना भी दुखी आ रही होवे, कितना भी कमे पर थकिया अच्छा है, असना जरूर है उन्होंने गलों ना। पहला उन्होंने तारुफ कराने, तारुफ उन्होंने असल ही चाहिए कि 35 साल तो फन की खिदमत करने पे पाकिस्तान टेलीविजन तो बेस्ट कॉमेडियन ना अवार्ड गिनी चुके, बहुत सारे थिएटर्स करने, इंग्लैंड की रिकॉर्डिंग कराई आए, मुख्तलिफ मुल्कों जाने, दुबई ने चक्कर लाने, पाकिस्तान ना फख्र रहना। जनाब ज्यादा देर ना करना, उन्होंने तो जुड़ने हैं जनाब सईद अनवर साहब, तो संगे अपने प्रोग्राम में वेलकम आखना। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा अच्छा पे लगना इस वास्ते भी कि राजाज ने प्रोडक्शन काम पे करने हैं, दुआ है राजाज ने खासा रहा है कि इन्हें पठवार की प्रमोट किया है, तो चूंकि मैं बेसिकली पठवारी फनकार हाँ, माड़ा तल्लुक पठवार नाल है, तो अज इस प्रोग्राम में फनकार भी अच्छी है, कुछ ज्यादा खुशी इस वास्ते कि पठवारी प्रोग्राम है, फनकार अच्छी के तुम लगना के तुम वाकई फनकार जी आज फनकार ए ए ते असन प्रोड्यूसर साहब ने असन ना सोचे फनकार। ते मैं जनाब ज्यादा देर ना करना, क्योंकि ज्यादा मी नहीं तकना चाहे, लोग शहजादा गफ्फार की तकना चाहे, तो शहजादा साहब कैसे हो, आज बड़े टैट पैट हो के आए हो? बस वो जरे शूटिंग सी। अच्छा, वो गाना ही पिक्चराइज करना सी। ठीक जी हां, वो पानी ने गाना सी, पानी जी बड़े। अच्छा, उसने भी बीच में भी बढ़िया सन। अच्छा, उधर के बीच एक बतख भी बड़ी गच्छे क्या है नाल, तेरे चार कट्टे भी सन, और मजा ना जड़ा जना करने को नाल निकली सी खड़े। तो सही साहब भी उससे शूटिंग की सदा बार के पता लगा, वो ये तो ज्यादा खा। सही साहब भी तो सदा शूटिंग की शामिल सन? खुद सियासतदान अपनी मिसेज नाल आए, गो के इस वारी इलेक्शन हारी गए, बनी नहीं सके, लेकिन सबका हुकूमतों च मिनिस्टर भी रहे, MNA भी रहे, सैकटरी भी रहे, पता नहीं केड़ियाँ केड़ियाँ वजारत उन्होंने को रही, तो उन्होंने तारीफ करानी है। जनाब सरदार अल्लाह रखा साहब उन्होंने ना है। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम सलाम सरदार साहब, अपना क्या हाल है? ठीक हो? जी जी मैं ठीक, तुसी सुनाओ? बस ठीक ठाक। सरदारी बोलनी भी सरदार को दया आगे हो। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक आवाज तो समझ लगी है, कुबे की लात लगनी है सीधा होने ना, इन्हें मुक्का लगना सीधे होने ना। हेलो हेलो, ए बड़े लोग है ते का स्टार्ट एंड डीजल लैंड ना। हां डीजल लैंड है, वैसे तुम ही मारने उसको पता नहीं क्या मार। अच्छा डीजल इंजन वासी आने वागे थोड़ा देर ना गर्म होना। हाय बाड़े ख्याल है टाइम के जो थोड़ा जाए। एकदम तुमने तो कहा था ये अच्छा प्रोग्राम है, इधर आते बातें करें। मैं नहीं हूं पुराना साहब का, तो एक गल तो चंगी नहीं है ना। नंबर ही मिलना ना, बड़ा मुश्किल मैडम की जानना, तुसा की जानने पर इना की ज़्यादा जानने। मैनू को
ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਆ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਖਾਣਾ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮੁੱਕੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਦਤ ਪਈ ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵਧੀ ਗਿਆ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਸੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣੀਆਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਬਾਤ ਹੋਰ ਬਾਤ ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੀਕ ਵੈਸਨਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੀਕ ਵੈਸਨਾ ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਗਲੀ ਹਕੂਮਤ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ ਬਤਾਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਸਾ ਕਿ ਖਾਮਦ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਡਲਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਡਲਨੇ ਬੀਵੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜੀ ਬੀਵੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੋ ਬੀਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਾਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਦੋ ਬੀਵੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਬੇਗਮ ਦਰਬਾਰ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਡਾਡੀਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਖਾਮਦ ਕਿਹਸਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਚੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਦਾਦ ਮਾਰੇ ਪਿਓ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚ ਸਰਦਾਰੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਆਸਤੇ ਹੋ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਰ ਲੋਕ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਐਮਐਨਏ ਹਗਾ ਵਾ ਵੈਸੇ ਮੋਤਰਮਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀ ਪੱਕੀ ਸੱਟੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਉਹਨੇ ਬੇਗਮ ਮਾਣੀਆ ਸਰਦਾਰ चक्की मेरी गल सुनो मेरे को टाइम नहीं है मैं अगे एक प्रोग्राम में जाना है एक और टीवी है आराम कुर्सी ना पान देना नवा काम ना कर गल सुन वह आनी है सरदार उसे बाहर उसे अपने ਮੋਮਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਸਨ ਮੋਮਨ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਮਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਚੋਇਆ ਮੇਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਮੀਨਾ ਨੂੰ सारा दिन काम करने थके सारी दुनिया करनी महंगी गड्डी इसने रखी हुई है इसकी ठीक करो मैं नहीं ठीक कर सकती मकसद मेरी जो हुकूमत सी मैं तेन कोई 12 रुपए की कुल्फी नहीं ला दी सी सिर्फ मैडम जी जिथे इना ते ए अपने चमोटा रखो मारिया ठीक हो चमड़े सागिया को नहीं होना खुश रखे पाग लगे पिछू ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਪੈਣ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਨੇ
ਅੱਛਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੜੇ ਫਨਕਾਰ ਆ ਸੀ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦੁਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਸੌਰੀ ਸਾਬਕਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਕਹੋ जॉगिंग कर रहा मिनिस्टर कूड़ा साडा ला जा खाने थोड़े घट खाओ आवाम का पैसा थोड़ा घट खाओ क्या इंग्लैंड कैसीनो च गए एक रात च 50,000 pounds खत्म मोहम्मद साहब कहने जी कि उत्थे ग्रहण च इक तकरीब हुई अच्छा उत्थे दी कोई सकाफती तंजीम सी उन्हां हकूमते पाकिस्तान की मदद नजर रखने हुए हो इन्हां नी बीवी के ने गले च होई जाने हार पाए ए सारे हार करके निकले पता है जी मैं सुनो ये जड़े हार सर गले च पाए ने इन्हां हार चोरी करी किते फिर इन्हां ने सुनी किनू माड़ी गल इन्हां हार चोरी करी किते फिर इलेक्शन हार गए नहीं जी ऐसी कोई गल नहीं है देखो जी असि पाकिस्तान के खजाने जमा रहे हैं जब पाकिस्तान नु मिल सी ओ साडी है ए दे केड़ी गल जदू इन्ना ने गले च हार पाए उठे ते हारे हार गए ने फिर एक तो इंग्लैंड से फोन आया एक अमेरिका से मेरी सहेली रहती है मैं कहनी उन्होंने बिजी ना मिले तो मैं अलग अलग नंबर रखा हां शो सहेली की था वैसे नंबर ते पाकिस्तान की लुटिया देखो जी गल हमारी हुकूमत आएगी पूरी दुनिया के ममालिक है वो हमसे कर्जा लेंगे मैं कहा वापस अगर मिनिस्टर पर थोड़ी जी कोई एलिगेशन लगी जाए अच्छा तो दूसरे जड़ इस्तीफा चाहिए देना खुद ही इस्तीफा मजे की गल है कि मनी भी किन्ने
कि माड़े को मैं सैप हो गया। अच्छा तो मैं रिश्वत खाधी किसी खातून तक ना मस मसाले तौर पर अगर एक मिनिस्टर है उसने किसी लड़की ने लख पटाका हो गया तो किसी वजह पकड़िया गया वो एक्सेप्ट करने की जैसा काम किया तो असर आवाम को माजद खान इस्तीफा देकर घर चले जाए। देखो असि खिदमत की है असि खिदमत एक्सेप्ट करने हैं और जेड़ा 5 साल लाना है रहना जी खालिद जी दा बड़ा नहीं हैगा। एक मिनिस्टर दे उते देखो असि रोज असेंबली चाहिदा है उथे रोज साडा इजलास हुंदा है उस तो बाद असि पार्टी दी मीटिंग अटेंड करनी पैंदी ने ये सब कुछ आवाम लई ते करदे हां असि और किते नहीं करदे। सवाल ये जद भी पाकिस्तानी सियासतदान छुट्टिया पर जाना दौड़ना नसना भजना मुल्क तू और किसी मुल्क क्यों नहीं जाना सारे तक लैंड क्यों जाना लैंड क्यों सुनियो वैसे भी यार एक बड़ा बड़ा पॉइंट है जी वैसे ये तुसी सर कोई थोड़ा दसो इस बारे में रोशनी पासो या बेगम साहब को पूछा नहीं नहीं बेगम साहब को पूछा मैं जीतियां के बेगम ते चुवा चुवा ते जीती ना और मेरी कजन चुवे ते पैसे के वो आ रही है जी अच्छा आ रही है आ जा वर्क हुकूमत पर ये दसना ये दस डबोया है ना ये हमेशा तुसा इंग्लैंड वाले पासे रुख करने और कोई मुल्क तुसा नजर नहीं इसना फिरन जाने हो तमी इंग्लैंड नसने हो मुल्क तो तमी इंग्लैंड उठा क्या रखया तुसा ना मुर्शिद मुर्शिद ने साथ दे इससे से मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कहा जी जीतिया दे गल जूते ते हारिया दे गल हार हां है गल ये मेरे यार इनानु मिले हार तो वो भी ले गए ने कार हां मेरी गल सुनो हार वेखो मेरी बेगुन मिलिया सी उन्होंने साडी बेस्ट गवर्नेंस दे उते वेख के उन्होंने सानू हार दिता कि तुसी इन्नी आवाम दी खिदमत कर दी तुसी हुन मेरी गल टालो ना तुसा ये मुर्शिद दा क्या ते क्या उथे कोई दरबार है कोई मजार है इंग्लैंड की है तुसा ना जिक्र ना कर ते फिक्र ना कर मैं तां दसवां मुर्शिद साडे उथे ने ते मुर्शिद दा जेड़ा हुक्म हुंदा सी उथे पहुंचदे आ उथे जाके मुर्शिद भी कामयाब हुंदे ने ते मुरीद भी इसमें तो तुहाडे पीर जेड़े जिंदा पीर है हां जी जिंदा पीर जिंदा पीर ते आ हाथी मार सुन ना की ए डेकोरेशन पीस नाल पाले है देखो ओए मेरी पीवी ओए तक मैं असिस्टेंट थप्पा तोला के अचानक दरवाजे च आता जाना करना की रोना यार फिर ऑनेस रखया ने इसकी ओए मैं तन्नू भी दफे मारंगा मैनू जान दे नहीं तुसी मैं एक मिनट ठहरो जरा मैं पांडा बहुत अच्छा लगता है जिथे सियासी महफल जाते हो तो तुसा खुद आख्या कि तुहाडियां त्रै बेगमां ने गाली गल सुन बेगम ओ परसों दी महफल दा जिक्र नहीं करते ओ जेड़ी गल सुनो हेलो ओ निजी महफल ओए खबरदार इसी को करके तो 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 मेरे गुस्सा चढ़ गया अब दादा दा गुस्सा ओ सानु सुनने च आया जी कि उथे तुहानू आखिर ते खाने छाने तो बाद जी कावा पिलाया जांदा ऐसा कावा मैं करना पैडी पड़ी ओ कावा बड़े चस्के लेके पींदे हो उस तू बाद अखा भी फिर जानी होना की शहद अखा तो नहीं फिर नहीं फिर ज्यादा पियो तो अखा फिर नहीं जी सही गल फिर शहद ना यार मेरी गल सुनो नहीं शहद शहद कभी कभी शहद शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है इसीलिए हम तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। ओ शायद तुम दोनों की बुलाया है तो सारा कदू तो ख्याल आ गया शादी ये बिल्ली थे फिर ये मैं वे क्या है ओली तो चार स्वाद की थे ना मैडम ने मारे दर्द की कर दो खच मैं मेरे तकड़े थे ना दोनों क्या कितने हो दोनों तो दस अपने की कार कितनी है
ਇਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਮੇਡੀਅਨ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਗੱਟ ਕਮੇਡੀਅਨ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਏ ਹਲੋ ਮੁੱਛਾਂ ਚੜਾ ਰੱਖੀ ਜੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਾ ਲੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਯਾ ਲੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੱਡੂ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰਨ ਮੁੱਛਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਨਾ ਡੋ ਲੈਣਾ ਆਈਏ ਕਰੀਏ ਅਦੇ ਸੱਤ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਪਰਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਾ ਗੱਟੀ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆਕੜ ਲਗਾ ਜੇ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਿਆ ਇਹ ਤੂੰ ਆਕੜ ਲਗਾ ਸੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲਾ ਕਿਹੜੀ ਹਲਕੇ ਚ ਰਹਿਣਾ मेरे हल्के चो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਧੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਈਆਂ ਇਹਦੀ ਵੋਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੱਧੀ ਵੋਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਓਏ ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਟੱਕਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਓਏ ਫੇਰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਮਨੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਇਤਨੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇੱਕ 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 ਹੋਰ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਬੋਲ ਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਬੋਲ ਸੀ ਇਹ ਚਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸਵਾਲ ਜੀ 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 ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਪੀਰ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪੀਰ ਪੀਰ ਗੱਦੀ ਹੈ ਗੱਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੱਕਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਸਨੂੰ ਨਾ ਪੀਰ ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਗੱਦਾ ਮੁਹਾਜੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਤੰਦੂਰੀ ਰੋਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਦ ਹਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਰਬਰਾ ਹਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲਾਣ ਤਵੀਤ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਨੇ ਬਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਨੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਦ ਹੀ ਛੋੜ ਅਸੀਂ ਮਰੀਦ ਹੀ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਮਰੀਦ ਹੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਚੋਗਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੋਗਾ ਜਾਂ ਲਗਣਾ ਇਹ ਲਾ ਉਹ ਹਲੋ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾਈਏ ਕਿਥੋਂ ਲੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਅਸਰ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸੱਖਰ ਸੱਖਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਈਏ ਆ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਂ हवेली च लखां दी तादाद लोग कठे हो जाने देगा पकड़िए ने वोटर तुहाडे हुंदे ने मरीज हुंदे ने कौन हुंदे ने वोटर सारे उठे होंगे तीन चार दिन की खिदमत करने शरबत पिला देने कुत्ते माला शमाला पा देने शरबत या कुछ और शरबत ही होता उठे ओ सबल शरबत अच्छा सर हां जी उठे पिलाने और खुश कर रहे हैं उठे सब तो बड़ा मौत जो कूल आ देने गुजरे आंदे ने पूरे पाकिस्तान दो अच्छा हां ऐसा सा गुजरा होता तुम की दसा पेश भी ना करो इसकी अकल भोगना बंद कर दे ठीक हो जासी यार गड़ भोगदा केड़ा भोगदा यार ओए ब्रेक सर ओए फाती नजर आती था सा कितने निकी जी ब्रेक उस तो बाद दोबारा हाजिर होने सानी खिदमत है मैं बेगम मेरी खात ओए सीधा बोल हेलो सीधा बोल देखो चाचा जी आप खातिन हजरात दोबारा खुश आमदीद 9 करोड़ रुपया सीट तक की कोर्ट की कर रहे हो ओ इधर गल हो रही है बंद कर हेलो ओ हेलो
नहीं मेरी गलत सुनो ऐसे नहीं बोले मेरे हस्बैंड है अच्छा जी ठीक आज बेगम बेगम 9 करोड़ पे कर कर लो कर 9.5 कर दोनों 9.5 नहीं नहीं 8.5 ही जनाब भाई जान 8.5 हेलो तुसा की 10:30 बजे तक नहीं बैठ देना ओके अल्लाह हाफिज हो जल्दी गल ना वो कैश पहुंच जल्दी तक स्विस बैंक ही पे अच्छा अच्छा नॉर्वे ले ओके 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 होएगी होएगी बस कर शो ओके अल्लाह हाफिज हां ठीक है मैं जैसे मिल जाऊं तो उस फोन पे कॉल पे करने से बैलेंस हो गई नहीं यार फोन कॉल पे करना है बस एक बेवकूफ मां में ना इन्होंने इन्हें नहीं पता इन्हें नहीं आंखों के सामने सब कुछ हो जाता है पर यही समझ असली लोग किस तरह टिकटां दे कितने महंगे महंगे टिकट ले पैसे दे के सी उते आने हां ते सानू कहंदे असी को काम नहीं करदे उते ते जाओ छोड़ जी के सब गल चल कर रहे हो जनाब देखो सीधी गल है को बिजनेस कर दियो हां जी बिजनेस है अच्छा हां जी ये टिकट अभी नहीं मिलती हां लकड़ का लकड़ का टिकट पार्टी टिकट ये जा सकता साहब का जो लकड़ का बिजनेस है लकड़ का बिजनेस है अच्छा वो की हां बसन मसवाका बेचते ने ओ नहीं यार जब महंगा जी यार अच्छी बात भी तू यार मेरे को तू की मेरा वोटर ना होता ना ते मैं अच्छा मिस्टर साहब एक सवाल है जी गौरव साहब जी 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 पूछो जनाब पिछले दिन टीवी पे आया था टीवी ने एक बहुत बड़ी मेंबर होसी बड़े लोग इकट्ठे आए हुए सन उठा से अनाउंसमेंट की एक बहुत बड़े फंड ने हां जी सारा इंडस्ट्री वास्ते है फनकारा वास्ते है वो काफी करोड़ ना फंड सी जी वो सिर्फ ऐलान ही है उस तो बाद ना किसी फनकार की मिलया है ना कोई इंडस्ट्री की मिलया है ना कोई इंडस्ट्री बूस्ट हुई है बड़ी सी गलती की थी देखो मैं तो थोड़ा जरूरी नहीं आंदा कि हर ऐलान पे मौत होवे बंदा कभी वैसे भी ऐलान कर देता शो किया ऐलान किया था हमने बेगम ऐसी कौन सी बात करी मेरे लाल 1 अरब रुपए का ऐलान किया था हमने नहीं काफी करोड़ सर सही साहब तो एक गौर किया कि जरा गुस्से चले जी ने वो ऑडियो ठीक रहनी नहीं नहीं मैं दस रहा हूं मैं तो सवाल है वो सिर्फ तफा खाने वाला है किसी को गल सच्ची करनी है ना जनानी बड़ी मेरी गल सुनो मैं तो ਸਨਜਾਰਿਆ ਵੇਖੋ ਅੱਜਕੱਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਰੇ ਹੈ ਹਮ ਦਾ ਕੁਸੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਹੋ ਓ ਯਾਰ ਕੌਣ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐ ਅਜੇ ਘੁੰਮ ਜੜੀ ਆਈਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਘੁੰਮ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਘੁੰਮਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕੋਂ ਤਮਾਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਰ ਬੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਆ ਨੇ ਨਾ ਬਚਾਓ ਔਰ ਡੁੱਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਸੁ ਰਿਹਾ ਵੇ ਹਲੇ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਹਲੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ जी जी एक मिनट क्यों दीफे ऐडा हल्के वाला ना बंदा नजर आ रही ना ये प्रोग्राम तो बाद में चुक लेंगे ओए ओए सियाणा नहीं मिकी ए फारूक साहब तुसा के आज कीता सा के भाई आज जो कोई राजा जसीन साहब नेब ने दफ्तर तो भी अच्छा टेलीफोन पर ऑनलाइन होना चाहिए या दफ्तर आना चाहिए कौन है जी इन्होंने मोबाइल तक कब्जा कर लिया नेब ने दफ्तर वाले आए हैं अच्छा एक एक चीज रिकॉर्ड है इसने विचो जी जी और तुम पता लग जाएगा सर मेरी बात तो सुनो जानी जानी बनी गई सर ज्यादा कर रहे हो पिछले 3 महीने तू इस चक्कर में कि तू किसी निजी महफिल चाहो ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰابطਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਚਲੇ ਗਏ ਲੰਮੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬੇਗਮ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਦੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਨੈਬ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚਿੱਤਰੀ ਕੋਈ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਮ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਨਾ ਹੁਣ ਨਾ ਆ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਛੱਡੋ ਅੱਛਾ हां ते दसो ओ आई नहीं मेरी गल सुनो मेरी असल दसी क्यों घबरा रहे मैं तेरे नाल हां मेरे बेटे नाल ओ तो ही घबरा रहे तू नाल है कोई यार नहीं जी ना कोई अच्छा जा राइटर लोड़ो कोई यार नहीं ना जनाब ते कोई चंगी जी फिल्म है सफर में प्रोटोकॉल लेने इतना प्रोटोकॉल खेलने इतना प्रोटोकॉल जिंदगी का मसला है जान है फलिश गेम एक महफिलिज गेम सारे बैग इन कुर्सियां पर अच्छा एक अच्छी बैठे हीटर पर अच्छा उसके बाद आने आज महफिल बड़ी गर्म है इनक नहीं पता लगना के हो रहा है दुनिया देख ओए तू पहले तेरी महफिल सजा दे एक कावा पी के गेसन या बगैर कावे कावा पीता तो ही नहीं पता लगना अच्छा तई बैठे देखो सर मेरी बात सुनो नैब दी सानू तड़ी नहीं लाने असी नैब को डरदे नहीं नहीं डरदे अच्छा फिर सर करो फारूक साहब राजा नहीं मेरे मतलब कहंदा है कि असी डरदे नहीं है चकने होना कोई
नहीं जी कोई कोई भी ऐसी गल नहीं है, असि कुछ कीता ही नहीं, कुछ नहीं, असि शरीफ लोग हां, शरीफ। ये बड़ी अजीब गल है कि जिथे भी किसी भी सियासतदान नु फसदे कि मसला पैना उतारे शरीफ बन जाना, बेगम बड़ी जल्दी कवर करनी है, ये कह रहे हैं हजरात, ये रखे तो होनियां ने, हां छे छे 700 होनियां ने, फनकार हो जिन्हों ना तो बुलाने सन फखर महसूस होंगे, ऐसी कोई गल नहीं, देखो आते है नैब से मजामीन ख्याल में, मेरा मतलब गैब से नहीं, नैब ही है मसला है। देखो जी साडा ते असी ते यकीन करो अपनी मेहनत दा उत्ते आए आ, मेरा ते दादा जड़ा सी बड़ा वड्डा बिजनेसमैन सी, जितनी साडी दौलत है ए असी जल्दी पुछती है कि सरदार साहब मैं अगर मजत है कि तुसा ए गद्दी निशीनी शीनी जो भी होई सब कुछ है, मैं ते सुनया कि तुहाडी जिस गली तुहाडे दादा अबू दी रिहाइश सी उस गली ते रक्षा नहीं जांदा सी। नहीं नहीं रक्षा क्यों, वड्डी गड्डी ट्रक जांदा जी, नहीं ना आखो रक्षा नहीं जांदा सी, सही तुसी सुनया है खानदानी बच्चा सी जेड़ा इन पागल करार दिता, उसकी वजह पुछो क्यों, हर बेलियां कोड़ी टांगा कोड़ी टांगा कोड़ी टांगा, ये पता ओ कि ना कोई दादा पूछा लो साडे खानदानी मामले गल करने की कोई जरूरत नहीं था, नहीं ये तो समझने हो ना कि कोड़ी टांगा भी साडे कोड़ी टांगा सी साडे को स्टार के बडियां शिवर लैट पहले तो साडे को सा क्यों बेगम इना को शिवर लैट है और बड़ी बड़ी गड्डियां कोड़ी टांगा कोड़ी टांगा, ये कोड़ी टांगा का क्या मतलब है, ओ मेरे दादा जी दा इंतखाबी निशान सी, हां जी इने दादा इंतखाबी निशान सी, इने ने करा चापका निशान सी, अच्छा और जेड़ा मारे कोड़ी की उस चापका निशान सी इना ने, ए तानू और कोई काम नहीं है साडे ते ध्यान है ताडा, मोहल्ले नो नहीं समझ, ओ और मार मार साडे मिनिस्टर साडे मुल्क दे सरमाया तो असल ध्यान तोडे ते होना ना, नहीं अस मेरी गल अपने अपने काम ना रखा, मैं ते अपने काम ना काम रखे है, हां मेरे सामने ऐसा काम बैठा है कि बस आखरी सवाल सरदार साहब को पूछे अगर दोबारा जीती के आए इंशाल्लाह इस मुल्क ने तरक्की से क्या किरदार अदा कर सकते, देखो जी मैं तरक्की होई थी ऐसी किरदार भी अदा कर सकते, नहीं नहीं तरक्की क्यों नहीं कर, तरक्की नहीं होने देना, देखो मेरी बात सुनो, ए साडे तो बाद साडे आने वाली नस्लां ए इस कौम दी तरक्की लई ओ जान गया उन्हां दी नस्लां इस कौम दी तरक्की लई, ओ लोग जिन्हां नस्लां भी तबाह कीतीं ते फसलां भी तबाह कीतीं, देखो आना नहीं है नस्लां जाना कानून बनाना है दूसरे मुल्क बहुत ही वफादार हो ना, गौर नाल गल सुन लो, साडे कोल कोई काम नहीं होंदा नहीं ना, साडे कोल कराओ ये नालियां बनाण वाले नहीं, ये नालियां साफ करन वाले सन, ये नालियां बनाण लग पे नूं बेगम ने कपड़े पाए, ये भी मेरे लाख दो लाख तो कट नहीं,
वफादार बड़ा शुक्र गुजार हाँ मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म होने लगा। ख्वातीन हजरात, इस सियासत एक ऐसा मैदान है जिहड़ा किसी वक्त इतना अच्छा होना सा कि बहुत बहुत उस्ताद स्कूलों ने भी इलेक्शन लड़ी किन्ने से हूँ ये बड़ा मुश्किल काम हो गया। उन्हें खुद आख्या 9 करोड़ रुपया, पता नहीं उन्हें 9 करोड़ रुपया दिता या होर भी ज़्यादा दिते ने। 1 करोड़ रुपया तो सिर्फ इन्हें एक बंदे को दिता, लिहाजा इलेक्शन लड़ना हूँ उस्तादा ना या क्लर्का ना काम नहीं रहा, आम आदमी ना काम नहीं रहा। लिहाजा सियासतदान बनने वास्ते करोड़पति अरबपति होना बहुत जरूरी हो गया। ये जो पैसे लाने इन्ह फिर साढ़े को पूरे करने। ख्वातीन हज़रात, असा कोशिश की इन्हें कि आख्या हलफ देने हो उस हलफ पर कायम रहो, लेकिन अल्लाह ही इन्हें किसम सी, अल्लाह ही इन्हें को नतीजा कट सी, अस ना कढ़ाई सकने। अगले प्रोग्राम तक राजा खावर अब्बास की इजाजत दियो, अल्लाह सुनने के बाद। चलो बेगम, चटा साहब के घर भी जाना है।